सहारनपुर के गांव बुड्ढाखेड़ा में एक माह पूर्व सस्पेंड किए जा चुके डीलर के यहां से भारी मात्रा में राशन बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर में राशन डीलरों ने गरीबों का राशन लेने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बार ग्रामीणों की एक सूचना पर हरकत में आए हैं, जहां सप्लाई इंस्पेक्टर ने सहारनपुर के गंगो क्षेत्र के गांव बुड्ढाखेड़ा में छापेमारी करते हुए एक महीना पूर्व सस्पेंड किए गए राशन डीलर के यहाँ से भारी मात्रा में गेहूँ और चावल के कट्टे बरामद किए हैं। गंगोह सप्लाई इंस्पेक्टर ने बताया कि सारे राशन को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से पारस चौधरी की रिपोर्ट। हमने दो प्रकरण में खाद्यान्न बरामद किया है और ये दूसरा प्रकरण है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये लगभग 27 कट्टे चावल के भरे पाए गए हैं और जिसमें सभी प्लास्टिक के हैं और हाथ से बने हुए हैं। मौके पर इन्हें सुपुर्दी में ले लिया गया है और जांच के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। हमारे टाइम से पहले से ही सस्पेंड है, मुझे भी एक महीना यहाँ आए हुए हुआ है, उसके बाद ही अभी जांच चल रही है, जांच के बाद आगे कार्यवाही इसमें की जाएगी।